हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द मॉकटेल बार। आज हम संडे के दिन थोड़ा घूमने चलते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि आदिवासी जो होता है, आदिवासी घर के हरिया कैसे बनता है और वो हरिया कैसे पिया जाता है। वो हरिया पीने से बहुत नशा होता है, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग चलते हैं। हम जा रहे हैं ये गांव की तरफ, जहाँ पे चाय बगान में काम करने वाले मजदूर रहते हैं, वहाँ पे मिलता है ये हरिया। आदिवासी लोगों के घर पे यह हरिया बनाया जाता है। चलते हैं, हम देखते हैं। ये हरिया बनता है जो चावल से, ठीक है। चावल के बाद उसको एक दिन रख दिया जाता है। उसके बाद उसमें एक पेड़ का रस दिया जाता है। चलो आ चुके हैं हम, ये देखिए ये कैसे करके डाल रहा है। इसके अंदर चावल है, उसमें वो पेड़ का रस मिलाया हुआ है जिससे वो नशा होता है। बहुत लोगों ने खाया है, लेकिन ये चीज़ जो है, ये शहरों में जो जो दोस्त रहते हैं उनको तो नहीं मिलता है। उनके लिए ही ये वीडियो है कि गांव में ये सब चीज़ भी मिलता है। हम लोग गांव में रहते हैं तो लेकिन ये पीने से दूसरे दिन पेट बहुत साफ हो जाता है। आप ये नेचुरल चीज़ है एकदम। देखिए ये जो डाला ये है वो रस। ये देखिए ये और एक हांडी आया है, पहले उसमें वो करची से काटा लगा दिया, अब इसको हिलाएगा। ये देखिए पूरा चावल है उसके अंदर। मैं इससे पहले एक बार पिया था ये, और आज फिर पीऊंगा, देखता हूँ बहुत दिनों के बाद। क्या है, इसमें तो अल्कोहल वगैरह नहीं होता है लेकिन नशा होता है। पता नहीं ये लोग कौन से पेड़ का रस देते हैं इसमें। ये देखिए पूरा चावल है, अब फिर इसमें डालेंगे। फुल भर गया। देखिए और वहाँ पे कोई कांच का ग्लास नहीं, उन लोग के घर में ज़्यादातर स्टील का ग्लास ही रहता है। फ्रेंड्स मेरे साथ रहिए, मेरे वीडियो को देखिए आप लोग। आज शाम को और एक नया मॉकटेल का रेसिपी मैं दूंगा। मैंने सोचा क्यों ना आज ये चीज़ भी ट्राई कर लिया जाए। थोड़ा जनवरी का महीना है, थोड़ा घूमना भी पड़ता है।
देखिए उसमें और पानी डाल रहे कि वो दोबारा से बन जाए। ये डाल रहे हैं। ये हम लोग जहाँ पे गए थे वहाँ पे मैंने वीडियो शूट नहीं किया। ये पूरा चाय बागान के अंदर से कम 5 किलोमीटर तक चाय बागान के अंदर इनका घर है। तो नेक्स्ट टाइम फिर जब आएंगे तो आप लोग को दिखाऊंगा मैं कि कैसा था वो चाय बागान। ये देखिए उनका नियम देखें आप लोग को अपना जूता खोल के सबको दे रहे हैं, जूता पहन के नहीं देंगे। तो चलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल।